दोस्तों अभी हम बात करेंगे बिग बैश लीग के क्वालिफायर गेम की, जो कि पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला जाएगा। अब दोस्तों इस वाले गेम्स में ना काफ़ी कुछ अपडेट है जो आपके लिए जानने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपको टीम बनाने में भी हेल्प मिलेगी। तो स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए कौन सी टीम हम लेकर चलने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करना दोस्तों, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना। एंड फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। तो टेलीग्राम आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे सर्च कीजिए टेलीग्राम पे @UDCRA। 90,000 के आसपास जिस चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे ना, केवल यही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है, जिसका यूज़र नेम केवल और केवल @UDCRA है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों इस चैनल का यूज़र नेम देखिए, @UDCRADream11Baseball, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों @UDCRAAA है दोस्तों लास्ट पे, ये फेक चैनल है दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल जो हमारा चैनल है ना, उसका यूज़र नेम केवल और केवल @UDCRA है, और उसके सब्सक्राइबर दोस्तों 90,000 के आसपास हैं, ठीक है। सिंपली ओपन कीजिए एंड यहाँ पे जो अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। बाकी सिंपल तरीका है दोस्तों, जो आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहला लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक करिए एंड यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे चैनल पर दोस्तों। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट होने के बाद ना, यहाँ पे आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे दोस्तों अनम्यूट का जहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो फटाफट से ज्वाइन वाले बटन को क्लिक कर देना, आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ना सिक्सर्स की प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दो अपडेट इनके साइड से है, बाकी दोस्तों फाइनल इलेवन जो है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है, टॉस के बाद। तो टेलीग्राम से सभी जुड़ना, बाकी जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन जो इनकी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फिलिपे, उसके बाद जैक एडवर्ड आपको ओपन करते नजर आएंगे सिक्सर्स के साइड से। डेनियल हाउजेस दोस्तों अब वन डाउन पे बैटिंग करेंगे, मोजेस हेनरिक्स यहाँ पर आपको टू डाउन पर बैटिंग करते नजर आएंगे दोस्तों, डेनियल है, ठीक है। अब जस्टिन की जगह ना दोस्तों जॉर्डन सिल्क वापस आ जाएंगे, स्क्वाड में इनका नाम आ चुका है। इसके बाद दोस्तों एबट, बाकी सेम रहेगा दोस्तों हेडन केयर डोरिसिस। इसके अलावा दोस्तों लियोन की जगह ना अपना क्या कहते हैं जैक्सन बर्ड दोस्तों, ठीक है। बाकी स्टीव ओकी, ये इनकी सेम इलेवन रहने वाली है। दो चेंजेस मैंने जो बताए हैं वो पॉसिबल हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस दोस्तों जैसा मैंने बताया उसी टीम के साथ जाएंगी। बाकी पर्थ स्कॉर्चर्स की बात करें यहाँ पर, यहाँ पे भी अपडेट है दोस्तों, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पेटरसन और दोस्तों जॉश इंग्लिश आपको ओपन करते नजर आएंगे। इसके अलावा वन डाउन पे दोस्तों तगड़े बैट्समैन मिच मार्श दोस्तों आपको वन डाउन पे नज़र आ जाएंगे। इसके बाद मनरो है दोस्तों, टर्नर, एरन हार्डी, ठीक है। यहाँ तक तो इलेवन सेम है दोस्तों। इसके बाद आगे बात करें एस्टन अगर की, एंड्रू टाई की, जेसन बैरनडॉर्फ, पीटर दोस्तों, लेंस मॉरिस की जगह ना आपको जय रिचर्डसन नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये एक चेंजेस यहाँ पे होगा इनका, ठीक है। बाकी दोस्तों सबसे पहले ओपन करेंगे ड्रीम इलेवन, अब इसके बाद फिल्टर लगाएंगे दोस्तों सिक्सर्स के ऊपर दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में सिक्सर्स के साइड से जॉर्ज फिलिपे, ठीक है, जो कि ओपन भी करते नजर आएंगे आपको जैक एडवर्ड के साथ। देखेंगे ज़रा क्वालिफायर का गेम है दोस्तों, काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला है, ठीक है। यहाँ बीच में दोस्तों परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं रही है, बाकी दोस्तों लास्ट के कुछ गेम्स देखें ना तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहा है, प्लस विकेट कीपिंग करेंगे, इसके अलावा दोस्तों टॉप ऑर्डर पर बैटिंग भी करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे। स्मॉल लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा जॉर्ज फिलिपे का। अब इसके बाद दोस्तों जैक एडवर्ड्स का ओपन करेंगे फिलिपे के साथ, अब बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, स्मॉल लीग के लिए भी बढ़िया है, बट आप अपने रिस्क पे ट्राई करना, क्योंकि जैक एडवर्ड को ना दोस्तों स्मॉल लीग की टीम में मैं उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अगर ट्राई करना चाहें ना मेरे हिसाब से, तो आप मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो जैक एडवर्ड को, ठीक है। डेनियल होजेस की बात करें
जो कि लास्ट के गेम में भी दोस्तों 59 रन की पारी खेल के आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आप इनका देखें, बीच बीच में बढ़िया रहा है दोस्तों, ठीक है, चलेंगे तो 80-90 पॉइंट्स देके जाएंगे, वरना दोस्तों अब 20-30 ही देते हैं। बाकी दोस्तों वन डाउन पे बैटिंग करेंगे ना, वो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वन डाउन पे बैटिंग करेंगे तो इसलिए दोस्तों, बाकी कोई और रीज़न नहीं है नहीं स्मॉलिंग में रखने का। अब इसके बाद दोस्तों हैनरिक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, लास्ट के गेम में भी अच्छी खासी बैटिंग करा के आ रहे हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे अगर देखेंगे लास्ट के चार गेम्स की, तो यहाँ पे भी बढ़िया रहा है दोस्तों, केवल एक जगह छोड़कर, ठीक है, स्मॉल लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेंगे दोस्तों हैनरिक्स भी। डैनियल क्रिश्चियन, अब इनके बारे में दोस्तों, अच्छी खासी जनता इनके साथ जा रही है दोस्तों। बाकी दोस्तों ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए ना डेनियल क्रिश्चियन का बढ़िया है, ठीक है, अब चाहे तो ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में बढ़िया ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। तो अपने चार प्लेयर हो गए दोस्तों, ठीक है, सीन एबट दोस्तों लास्ट के गेम में तो दोस्तों नॉट आउट पे थे, 0 रन पे। अब इनका अगर देखें ना, तो आप ना दोस्तों इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो जिस टाइप से परफॉर्मेंस इनकी रही है ना, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना दोस्तों, ठीक है, चल गए तो वन साइडेड विनिंग करेंगे आप, और यहाँ पे जनता भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा कम जा रही है, ठीक है। तो सीन एबट को ना आप ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर लेना, बाकी स्मॉल लीग में मैं इग्नोर करूँगा अभी थोड़ा। बाकी दोस्तों इनकी बॉलिंग की अगर बात करें, ठीक है, और उनमें से दोस्तों आपका हेडन केयर दोस्तों, जो कि लास्ट के गेम में 3 विकेट निकाल के आ रहे हैं, ठीक है, स्टीव ओकीफ हो जाते हैं दोस्तों, बढ़िया बॉलर जो कि अपने ओवर्स पूरे करने वाले हैं, ठीक है। डिटेल्स में अगर मैं बताऊँ ना, तो दोस्तों कैर आपको ना अपना अंतिम में बॉलिंग करते नज़र आएंगे, इसके अलावा स्टीव ओकीफ और बेन रॉलिंस दोस्तों आपको अंतिम में नज़र आएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों मिडल के ओवर्स में ना सीन एबट भी आपको 1-2 ओवर्स करते नज़र आ जाएंगे, बट स्मॉल लीग में उतना कुछ खास ऑप्शन है नहीं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैक्सन बर्ड का, जैसे मैंने बताया था, नहीं दोस्तों फिलहाल के लिए ना स्मॉल लीग में हेडन केयर, स्टीव ओकीफ, ठीक है दोस्तों, 6 प्लेयर हो गए, ये इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं स्मॉल लीग के लिए सिक्सर्स के साइड से, ठीक है। बाकी आप एडजस्ट कर सकते हैं तो डोरिसिस भी एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, ठीक है, इन्हें ट्राई कर सकते हो। अगर फिल्टर लगाएंगे स्कॉर्चर्स के ऊपर, विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे स्कॉर्चर्स के साइड की, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों जॉश इंग्लिश, जो कि दोस्तों ओपन करते नज़र आएंगे, ठीक है, पेटरसन के साथ। इंग्लिश का अगर स्टैट्स देखें, लास्ट गेम में 18 रन की पारी खेली थी, यहाँ पे खेले नहीं थे दोस्तों, और जब खेले हैं दोस्तों पॉइंट्स कितने देके जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मिनी ग्रैंड लीग की अगर टीम बनाएंगे आप, जिसके मेंबर दोस्तों ना 10 के आसपास, 15, 20, 25, इन सारे कॉन्टेस्ट में दोस्तों आप जॉश इंग्लिश को ट्राई कर सकते हो, इसके साथ अपना दोस्तों फिलिपे के साथ, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़े से इसकी ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों पेटरसन की बात करें, जो कि लास्ट गेम में तो दोस्तों 26 रन की पारी खेली थी, ओवरऑल अगर इनका देखें तो क्या हम इन्हें ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में? जी हाँ दोस्तों, ट्राई करने लायक है, आप ट्राई कर सकते हो कर्टिस पेटरसन को, ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी जनता इनके साथ जा रही है। अब दोस्तों वन डाउन पर बैटिंग करेंगे मिश मार्श, ठीक है, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में नज़र आएंगे। अब दोस्तों लास्ट के गेम में ना, अब ये प्लेयर बहुत तगड़ा प्लेयर दोस्तों, लास्ट गेम में भी 59 रन का स्कोर करके आए थे। इसके अलावा यहाँ पे तो खेले नहीं थे दोस्तों, ठीक है, आपको याद होगा, और जब भी खेले हैं ना दोस्तों तो हर बारी दोस्तों ड्रीम टीम में, ठीक है। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट पिक के तौर पर रहेंगे,
इसके अलावा दोस्तों अपना मनरो बैटिंग करेंगे मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, बढ़िया दोस्तों, बढ़िया पिक रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ना टर्नर आएंगे अगले नंबर पे मनरो के बाद, और टर्नर दोस्तों मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर लास्ट गेम का देखें रिकॉर्ड, वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। तो यहाँ से अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो दोस्तों टर्नर एक बढ़िया चॉइस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप पैटर्सन के साथ जाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बट दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ ना, पैटर्सन के साथ दोस्तों 72% लोग जा रहे हैं, टर्नर के साथ 53% लोग, ठीक है। अगर टर्नर बढ़िया करके जाते हैं ना दोस्तों, तो दोस्तों आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी कम हो जाएंगे, ठीक है, ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके का आइडिया लगा के ना टीम बना सकते हो दोस्तों। लाल टर्नर एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, नो डाउट पीटरसन भी एक बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एरन हार्डी, जो कि लास्ट गेम में क्या कहते हैं अपना दोस्तों, 6 रन ही बनाए थे, बट दोस्तों नॉट आउट पे थे, ठीक है। काफ़ी नीचे इनका बैटिंग ऑर्डर है एरन हार्डी का, ट्राई करना चाहें तो ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बीच बीच में परफॉर्मेंस इनकी बढ़िया रहती है, वैसे भी क्वालिफायर गेम है दोस्तों। तो आप यहाँ से ना मिडिल डाउन ऑर्डर पे एरन हार्डी को ट्राई कर सकते हो। बाकी सेफ जाना चाहो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है दोस्तों एस्टनगर का, ठीक है, जो कि बॉलिंग वीक कराते हैं और पूरे ओवर कराएंगे दोस्तों। लास्ट गेम में भी पूरे ओवर किए थे, एक विकेट भी लेके गए थे, ठीक है। तो एस्टन अगर बढ़िया पिक रहेंगे, बाकी आप ट्राई करना चाहें थोड़ा रिस्क लेके दोस्तों एरन हार्डी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग तो इनकी पहले आने वाली है एस्टन अगर से, ठीक है। अब डायरेक्टली बात करेंगे दोस्तों इनकी बॉलिंग सेक्शन की। जय रिचर्डसन दोस्तों स्क्वाड में आ चुके हैं, बाकी खेलेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी, ज़्यादातर तो चांस है दोस्तों खेलेंगे, ठीक है। मेन बॉलर्स की अगर बात करें, जिसमें कि दोस्तों बैरनडॉर्फ, एस्टन अगर दोस्तों जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है, 4 ओवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपना एंड्रयू टाई रहेंगे, ठीक है, लास्ट गेम में भी एक विकेट ले गए थे। पीटर दोस्तों अपने ओवर्स पूरे करते नज़र आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे। बाकी आप ट्राई करना चाहें तो मिनी ग्रैंड लीग में ज़रूर रखना इनको, पक्के वाले पिक रहेंगे मिनी ग्रैंड लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए भी। बाकी दोस्तों यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे पहले, तो यहाँ से हमें 2 बॉलर्स जिसमें कि बैरनडॉर्फ, हम रिचर्डसन नहीं ले सकते दोस्तों यहाँ पे, लेकिन बैट बॉल पे हम ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम पीटर के साथ चलेंगे, पांच क्रेडिट सेव करेंगे दोस्तों अगर आप मनरो को ड्रॉप करके ना यहाँ से पेटरसन को ट्राई करेंगे, ठीक है। सेम टीम को अगर बैट बॉल 11 पे लेके चलें, तो दोस्तों क्या हमारे पसंद से टीम बन पाती है, चेक करेंगे। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ दोस्तों ड्रीम 11 की टीम से। अब फिलिपे, मनरो, टर्नर दोस्तों, हैनरिक्स, डेनियल हॉजेस दोस्तों, मिश मार्श, डेनियल क्रिश्चियन, एस्टन अगर दोस्तों, इसके बाद हेडन केयर, स्टीव ओकीफ, रिचर्डसन एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमने एस्टन अगर को ले लिया, बैरनडॉर्फ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे तो बन गई दोस्तों, ठीक है। अब चाहे ना तो किसी प्लेयर को ड्रॉप करके आप एस्टन अगर को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, पर ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने पीटर को लिया हुआ है। बाकी दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, तो सेफ कैटेगरी में दोस्तों आपके मिशेल मार्श, मोइजेस हैनरिक्स, जॉश फिलिप्पे दोस्तों आपकी सेफ कैटेगरी में आते हैं,
ठीक है। बाकी दोस्तों डेनियल को भी आप बना सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों नो डाउट हैड एंड केयर दोस्तों एक बढ़िया ऑप्शन है, बट इसके अलावा थोड़ा सा अलग जाना चाहें ना आप बैरन डॉफ को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बट दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम पे में तो मैं बैरन डॉफ अपना रिचर्डसन को दोस्तों ले नहीं पाया था, बट यहाँ पे दोस्तों बैट बॉल पे हमने ले लिया और मैं वीसी भी उन्हीं को बनाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों स्मॉली के लिए फाइनल टीम स्क्रीनशॉट रखेंगे, बाकी प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो। और एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों ग्रैंडली की टीम टीम सेव करेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों टीम सेव करेंगे। मैं यहाँ पे हेड एंड केयर को रखूँगा दोस्तों क्योंकि मैंने रिचर्डसन यहाँ फिट नहीं बैठे और बाकी मैं किसी प्लेयर को ड्रॉप भी नहीं करना चाहता दोस्तों। तो फटाफट से मैं आपको ग्रैंडली की टीम दिखाता हूँ, बाकी जो भी फाइनल अपडेट होगी ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी ग्रैंडली की टीम, ठीक है। यहाँ पे मैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे अलग बनाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों आप ट्राई करना चाहें ना डोरिसिस को ट्राई कर सकते हैं, एस्टन अगर है दोस्तों आपके पास। इसके अलावा टर्नर दोस्तों बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। हेड एंड केयर दोस्तों इन्हें इग्नोर नहीं करना आप। बाकी इस वाली ग्रैंडली का मैं सी वी सी बताऊँ ना तो टॉप पर ही आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट रखेंगे इसका, बाकी प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। टीम सेव करेंगे दोस्तों एंड वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको स्मॉल लीग, ये दोस्तों स्मॉल लीग की टीम हेड टू हेड के लिए और ये ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है ना। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।